क्या आप लोग भी अंडे से कतराते हैं खाने से? अगर आप लोगों को भी अगर अंडा पसंद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंडा पसंद भी आएगा और आप अंडे के दीवाने भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ अफ़गानी अंडे की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, अफ़गानी अंडा बोलते हैं इसको, लेकिन मुझे नहीं पता अफ़गानी अंडा क्यों बोलते हैं इसको, अफ़गानी अंडा कैसा होता है, क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं मंसूर जमलाना, स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पकाओ पर खाओ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन दबा दें और उसकी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों तक पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब एक चमकती हुई, बिल्कुल चमचमाती हुई मैंने ली है कढ़ाई। इसके अंदर डालेंगे बटर और ऑयल। इसको हमें गरम करना है हाई फ्लेम पे। जैसे ही ये गरम हो जाएगा, इसके अंदर हमें डालने हैं आलू। अभी आलू कितने हैं? ये आलू हैं दो मीडियम साइज़ के। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। इसको भी हमें 1 मिनट तक सौते करना है, ताकि इसका जो हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी, इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बस इसको भी 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब डालेंगे हम यहाँ पे टमाटर, जो देंगे हमारी जो अंडे की डिश को बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हमें स्टर कर लेना है कंटिन्यूसली। अच्छा, नमक डालने से टमाटर जल्दी गलते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर नमक डालना ज़रूरी है। अब इसको हमें फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे मसाले। ये जाएगा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। अब मसालों को हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हमें जो है आलूओं को गलाना है। थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ मैं, ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद हमारे आलूओं की कंडीशन कुछ ऐसी होगी। इसको हल्का सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे आलू ऑलमोस्ट डन हैं। अब इसके अंदर हम फाइनली डाल देंगे अंडे, क्योंकि अंडे की रेसिपी है तो अंडे तो ज़रूर डालेंगे। अब इसके अंदर मैं एक एक अंडा तोड़ के इस तरीके से डाल रहा हूँ, देख लीजिए। हमें फेंटना नहीं है इसको, ऐसे ही डालना है जर्दी समेत। देखिए, मैं डाल रहा हूँ 5 अंडे, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस पर मसाले डालने हैं। इस पर मैं डाल रहा हूँ चाट मसाला, गरम मसाला और नमक डालूंगा हल्का सा, और काली मिर्च का पाउडर। देखिए, ये चारों चीज़ें आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालनी है। सारे मसाले इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक ही जाएंगे, जितना आपको पसंद हो। थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हमें कवर करके टाइम देख के, घड़ी में टाइम देख के 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए जी, मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है, इसको कवर हटा के देखा है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारी यूट्यूब की फैमिली का मेम्बर बन सकें और हम इसी तरीके से वीडियोज़ बनाते रहें और आप लोगों तक पहुँचाते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।